हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। असम राइफल का जो अभी भर्ती चल रही है उसमें देखिए, असम राइफलमैन मसालची, बहुत सारे हमारे साथियों ने राइफलमैन मसालची से आवेदन तो कर दिया, लेकिन अभी मसालची का ड्यूटी क्या होता है ये इसकी जानकारी नहीं है। काफी मैसेज आ गए मसालची की ड्यूटी क्या होती है, तो मसालची का राइफलमैन मसालची एक्चुअली देखिए होता कहाँ है, बता देता हूँ आपको कि सभी फोर्सेज में मसालची एक्चुअली हॉस्पिटल स्टाफ जो होता है उसमें होता है। यदि हम सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें मसालची की भर्ती होती है। सभी फोर्सेज में पैरामेडिकल स्टाफ में ही मसालची की भर्ती होती है। असम राइफल में भी जो मसालची है वो जनरली ड्यूटी कहाँ है, उनकी हॉस्पिटल स्टाफ। अब हॉस्पिटल में वहां ड्यूटी क्या है, क्या ड्यूटीज करनी पड़ती हैं आपको? जैसे कुक है तो कुक का काम है, कुकिंग फूड है, किचन का मेंटेनेंस है, सफाई कर्मचारी है तो उसको सफाई करना है, वार्ड बॉय है तो वार्ड में जो मेंटेनेंस करना है वो करना है, लेकिन मसालची को क्या करना है तो वो देखिए आपको दिखा देते हैं कि मसालची को सबसे पहले तो देखिए कुक का हेल्पर होता है मसालची, तो क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ कुक हाउस, ये पहली ड्यूटी होती है कि कुक हाउस में जो बर्तन होते हैं, जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं, उनकी साफ सफाई का जो काम है वो कुक हाउस का मसालची का है, यानी कि हेल्पर है वो, एक तरह से हेल्पर है किसका, कुक का। तो कुक का हेल्पर है तो कुक का जानकारी, कुक के काम की जानकारी होनी चाहिए। कुक ने कुछ भी मांगा, कुक ने कहा कि मुझे टोंग दे दो, तो टोंग का पता होगा तभी आप टोंग दे पाएंगे। कुक ने कहा कि मुझे स्पैटूला दे दो, तो जब स्पैटूला का आपको जानकारी होगी तभी आप स्पैटूला दे पाएंगे। कुक ने कहा कि मुझे जो ये कोई भी मसाले के बारे में भी हम बात करें कि हल्दी की गांठ दे दो, हल्दी पाउडर दे दो, यानी कुक का एक तरह से वो हेल्पर है। पहली ड्यूटी क्या है, क्लीनिंग ऑफ, या टोंग साफ करके ले आओ तो आपको पता हो कि, या रोलिंग पिन साफ करके ले आओ तो आपको पता हो कुक के जो यूटेंसिल्स हैं उनकी सफाई का जो काम है वो उसका है। दूसरा काम है वॉशिंग एंड क्लीनिंग द डिशेज प्लेट्स ऑफ पेशेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द फूड इज सर्व्ड। देखिए पेशेंट्स जो हैं बहुत ही सेंसिटिव एरिया में मसालची को काम करना होता है, तो पेशेंट्स के साथ काम करना होता है, पेशेंट को खाना देने से पहले और खाना देने के बाद उनके जो बर्तनों की सफाई है वो उनका ड्यूटी चार्ट जो है उसमें दूसरी ड्यूटी, कि खाना सर्व करने से पहले और बाद में। अब किस तरह का खाना पेशेंट को सर्व किया जाना है वो भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी ड्यूटी है हेल्पिंग द वार्ड बॉय इन क्लीनिंग एंड डस्टिंग द वार्ड। अब ये यानी कि उसको जो है कुक का तो काम उसको करना ही करना है क्योंकि कुक का हेल्पर है, और यहाँ पर वार्ड बॉय को सफाई, वार्ड की सफाई और डस्टिंग में भी उसकी मदद करनी है, तो स्वीपर का भी काम आना चाहिए, स्वीपर के भी जानकारी होनी चाहिए, क्लीनिंग मटेरियल, डस्टिंग, ये सब उसकी जानकारी होनी चाहिए। चौथा काम क्या करना है, अदर ड्यूटीज ऑफ वार्ड बॉयज इफ ऑर्डर्ड बाय मैट्रन, जो हॉस्पिटल के जो संरक्षक हैं, जो अधीक्षक हैं, उनके द्वारा कोई भी ड्यूटी जो वार्ड बॉय को जो ड्यूटी करनी होती है तो यहाँ पर उसको वार्ड बॉय का जो ड्यूटीज है वो भी पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर राउंड भराएंगे, कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या मेंटेन करना है, वो सब भी जानकारी होनी चाहिए। और हेल्पिंग द कुक इन द प्रिपरेशन कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड, कुक का हेल्पर है, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि कुक का जो है हेल्पर का जो काम है वो मसालची का। जैसे वाटर कैरियर जो होता है वो भी वाटर, लेकिन वाटर कैरियर और मसालची की ड्यूटी जो है वो अलग अलग हैं काम। अब वहाँ पर अब लास्ट में देखिए एक ड्यूटी और है जो, अब कुक का काम मतलब कुक की जानकारी होनी चाहिए, साफ सफाई वाले सफाई कर्मचारी की भी जानकारी होनी चाहिए, और अगला है एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द मैट्रन हाउस हॉस्पिटल इंचार्ज। हॉस्पिटल इंचार्ज के द्वारा यदि कोई भी ड्यूटी दे दी गई कि आप डॉक्टर सर के घर में आप जाएंगे वहां काम करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। कोई भी ड्यूटी दे दी गई, या किसी पेशेंट को आप व्हील चेयर पे आप लेकर, आप एम्बुलेंस तक लेकर जाना है,
कोई भी ड्यूटी दे दिया आपको, एम्बुलेंस के साथ आपकी ड्यूटी लगा दी, कुछ भी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी, यानी कि जो सरकारी ड्यूटी जो है वो आपको बता दिया कि आपको जो आदेश दे दिया वो आपको मानना है। ये है मसालची का काम। अब हमारे जो साथी जिन्होंने मसालची से आवेदन किया था उनको समझ आ गया होगा कि मसालची क्या है। जैसे बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा कि मसालची का काम क्या सिर्फ मसाले पीसना है, ऐसा नहीं है। मसाले पीसने के लिए तो कुक ही कर लेगा, कुक का जो बाकी हेल्प करना, तो आपको देखो कुक मसालची जो है उसको कुक का भी जानकारी होनी चाहिए और उसको एसके का भी जानकारी होना चाहिए। अब हमारा जो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर हमने मसालची का कोर्स लोड किया है आज, और उसके साथ ही बता देता हूँ आपको कि अब और कोर्स भी जो लोड होगा, वीडियो लेक्चर लोड होंगे, तो उसके लिए आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में शामिल होगा। आपको कोर्स लेकर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीसरा, आपको वार्ड बॉय जो है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब मसालची का 20 क्वेश्चंस आपको मसालची का जो रिटर्न पार्ट होगा उसमें आएंगे, तो उसमें ज़्यादा जो है वो कुक से रिलेटेड होगा, एसके के भी होंगे, हाइजीन वगैरह जो, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस कुक और एसके के मिक्स हैं जो हाइजीन साफ सफाई के संबंध में है, और वार्ड बॉय जो है उसका भी हो सकता है कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको तैयार करना है राइफलमैन मसालची के लिए। जय हिंद।